हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है 2023 टोयोटा रूमियन, एंड दोस्तों ये मारुति अर्टिगा का रीबेस्ट वेरिएंट है। सो रूमियन आपकी 7 सीटर कार है, एंड तो इसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, SG and V। एंड अगर दोस्तों बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल प्लस CNG दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें आपको ट्रांसमिशन की बात कर लें अपन, तो ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, अभी आप जो वेरिएंट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका CNG का बेस वेरिएंट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, CNG में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है S के नाम से, तो उसी में सिर्फ आपको CNG वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, वही अभी आप वेरिएंट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी अगर बात करें रूमियन की एक्स शोरूम प्राइस की, तो वो स्टार्ट होती है दोस्तों आपके 10.29 लाख रुपीज़ से, एंड टॉप मॉडल आपका जो आएगा ऑलमोस्ट 13.68 लाख रुपीज़ तक एक्स शोरूम। एंड जो वेरिएंट है अभी आपके सामने रूमियन का दोस्तों, CNG का बेस वेरिएंट S है। एंड इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, तो ये आपका जाता है दोस्तों 11.24 लाख रुपये। एंड ऑन रोड की बात करें, ऑलमोस्ट 13 लाख 10 हज़ार करीब की गाड़ी आपको पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, वो अभी हम शूट कर रहे हैं अनंत टोयोटा ग्वालियर में। सो जो यहाँ के सेल्स हेड हैं रमन सिंह, मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, बुकिंग एंड टेस्ट ड्राइव रिलेटेड ऑफ रूमियन एंड एनी अदर कार ऑफ टोयोटा। सो दोस्तों, लगभग आपकी गाड़ी पर जाती है 13 लाख 10 हज़ार की। एंड 13 लाख 10 हज़ार पर खर्च करने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आज हम यही सब कवर करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो पहले दोस्तों बात करें इसके फ्रंट की, आप देख लीजिए 1745 mm की इसमें आपको चौड़ाई मिलने वाली है। एंड ये आपका बेस वेरिएंट है दोस्तों, का फ्रंट से दोस्तों देख लीजिए, आपको कहीं से भी आपका बेस वेरिएंट देखने को नहीं लगेगा। बाकी टोयोटा का लोगो मिलता है, ग्रिल आपको दोस्तों सेम मिल रही है बेस से लेकर टॉप मॉडल में, एंड क्रोम के इंसर्ट आपको सेम मिलने वाले हैं। बाकी लाइट सेटअप की बात करें, तो यहाँ देख लीजिए आपका जो लाइट सेटअप है वो आपका ड्यूल बीम का है, एक आपका प्रोजेक्टर, दूसरा आपका मिल जाएगा रिफ्लेक्टर बेस्ड। इंडिकेटर की बात करें, हैलोजन बेस्ड है। एंड इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता, बट उसकी हाउसिंग मिल जाती है, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट या फिर बाद में कंपनी के थ्रू भी इसमें आप फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। बीच में आपको नंबर प्लेट की पोजीशनिंग, लोअर ग्रिल को जो स्टेप्स मिलते हैं उसमें भी आपको क्रोम के इंसर्ट देखने को मिलने वाले हैं। बाकी 185 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, तो बड़े ही शानदार लगती है दोस्तों फ्रंट से। एंड जो इसकी बोनट की बात करें, काफ़ी स्लोपी है, और ये देख लीजिए वाइपर मिलते हैं आपके दो, जो कि आपके पुराने टाइप के वाइपर हैं। एंड इसमें आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एंड ऊपर बात करें तो आपको मिल जाता है एंटीना की प्लेसमेंट। बाकी गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है। ये अभी आप देख रहे हैं गाड़ी की साइड लुक। लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 4420 mm की इसमें आपको लेंथ मिलने वाली है। एंड व्हील बेस की बात करें तो 2740 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाएगा। बाकी ये है दोस्तों आपका टायर साइज़ की बात करें अपन, जो आपको फ्रंट में कंपनी ऑफर करती है वो आपको करती है 185/65 R15 का, एंड ट्यूबलेस टायर है, स्टील व्हील रिम के साथ। फ्रंट में कंपनी आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। अब आते हैं साइड मिरर पर, तो ये आपको बॉडी कलर, एंड इसी में आपको टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं, प्लस ये आपके रहते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। एंड ये आपके ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलने वाले, आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, प्लस सनरूफ भी आपको नहीं मिलने वाला। एंड ग्लास एरिया की बात करें तो रूमियन का जो मिडल ग्लास एरिया है वो आपको काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। सो ये है गाड़ी की साइड लुक प्लस बैक प्रोफाइल। एंड फ्यूल लीड है, यहाँ से ओपन करेंगे देख लीजिए, ये आपका पेट्रोल फिलिंग नॉब है, यहाँ सब CNG गैस का फिलिंग नॉब मिलता है। बाकी यहाँ पर आपका E20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली है। एंड अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें पेट्रोल में, तो 45 लीटर की, एंड CNG में आपको इसमें 60 किलो का या 60 लीटर का आपको इसमें CNG टैंक मिलने वाला है। एंड गैस की बात करें, एक टाइम पर 8 से 10 किलो की गैस ईजिली रिफिल हो जाएगी। ये अभी आप देख रहे हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल, एंड काफ़ी सिंपल एंड सोवर है। बाकी बात करें, यहाँ देख लीजिए आपको टोयोटा का लोगो मिलता है, कैमरे की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलती, एंड नंबर प्लेट की पोजीशन देखने को मिल जाती है, प्लस 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं, साथ में रूमियन की बैजिंग एंड S की बैजिंग मिलने वाली। ये आपका CNG वाला वेरियंट है दोस्तों। बाकी टेल लाइट सेक्शन की बात करें, आप देख लीजिए टॉप मॉडल में एंड बेस मॉडल में आपको सेम टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलने वाला है। और ग्लास में आपको वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता, CNG का स्टिकर, प्लस आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट जरूर मिलने वाला है। स्टेपनी व्हील आपको नीचे की तरफ लटकी हुई मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ से ओपन करते हैं, कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। एंड एक चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस किया था, देख लीजिए आपको इसमें कितने बड़े बड़े बल्ब देखने को मिल जाते हैं हैलोजन वाले। बाकी ये आपका ग्रैब हैंडल है, एंड बात करें तो देख लीजिए कुछ इस टाइप से इसमें आपको
मिलने वाला है बूट स्पेस, ये आपका रहेगा दोस्तों सीएनजी सिलेंडर, जो कि आपके 60 लीटर का, एंड गैस आप एक बार में 8 से 10 किलो गैस इजीली आ जाएगी। एंड सीएनजी में अगर इसकी रोमियन की माइलेज की बात करें तो कंपनी 25 से 26 लीटर का एवरेज क्लेम करती है पर केजी, बहुत बढ़िया एवरेज दोस्तों क्लेम करती है। बाकी ये है आपका, देख लीजिए कुछ इस टाइप से इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है, मतलब काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, लगभग आप देख लीजिए इतना बूट स्पेस काफ़ी आपका सामान आने वाला है इसलिए। बाकी ये आपका रहता है 7 सीटर वेरिएंट, कुछ इस टाइप से मिलने वाला है। एंड थर्ड रो को आप अगर चाहें तो कुछ उस टाइप से पीछे की तरफ कर सकते हैं रिक्लाइन, ये आपका मैक्सिमम एंगल रहेगा रिक्लाइनेशन का। सो दोस्तों इतना ही कुछ आपको मिलने वाला है टोयोटा रोमियो के बूट स्पेस में, तो चलिए इसे बंद करते हैं। सो दोस्तों अगर बात करें इसके ड्राइवर साइड डोर की, आप देख लीजिए यहाँ आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, की लगाने की स्पेस, एंड ये है आपका डोर पैनल। डोर पैनल की बात करें तो वही आपको पूरा बेज कलर का मिलने वाला है इसमें डोर पैनल ना, यहाँ देख लीजिए पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं डोर लॉक अनलॉक करने के लिए, प्लस ये आपका चाइल्ड लॉक एंड मिरर सेट करने के कंट्रोल्स, बटन दबा के मिरर को फोल्ड एंड कुछ उस टाइप से कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, एंड इसमें आपको ट्विटर की प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, बोतल स्पेस मिलता है, ग्रैब हैंडल एंड डोर ओपनर मिलता है आपको क्रोम एलिमेंट के साथ। एंड ये है आपकी सीट हाइट की बात करें इस वेरिएंट में, यानी बेस वेरिएंट में, सीएनजी के बेस वेरिएंट में इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी जो इस गाड़ी का रहेगा इंटीरियर वो टोटल आपका बेज कलर का इसमें इंटीरियर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार लगता है बेस मॉडल के हिसाब से। और बात करें नीचे तो आप देख सकते हैं ये आपका रहेगा मैनुअल वेरिएंट, एंड यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल सीएनजी स्विच करने का बटन, बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इसमें आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं मिलता। हेडलाइट लैम्प आपको देखने को मिलने वाला है, की लगाने की स्पेस आपको मिलने वाली है, साथ ही बात करें आपका हार्ड प्लास्टिक है, ये आपका टेक्सचर्ड में प्लास्टिक मिलने वाला है, प्लस ये आपके एसी वेंट की प्लेसमेंट। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर एंड वहाँ बैठ के बात करते हैं। ये है आपका टोयोटा रोमियो जो कि आपका सीएनजी का बेस वेरिएंट है यानी एस, इसका इंटीरियर आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाला है, जो कि आपका बेज एंड बेज कलर का टोटल। ऊपर की बात करें तो आपको काफ़ी मतलब कॉफ़ी ब्राउन या आपको ग्रे कलर टाइप का मिलने वाला ऊपर हार्ड प्लास्टिक। बाकी अपन बात करें इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्टेयरिंग की बात करें तो आपको डी कट मिल जाता है, प्लस ये आपका रबर टाइप का है, मतलब काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है, सॉफ्ट टच में आपको मिलने वाला है स्टीयरिंग व्हील। बाकी टिल्ट आपको मिलेगा टेलीस्कोप, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीच में टोयोटा का लोगो मिलता है। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको दोस्तों बाकी कॉल कट कॉल पिकअप एंड ब्लूटूथ के ऑप्शन मिलने वाले हैं। राइट साइड में आपको कोई भी मतलब कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता। बाकी हॉर्न की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसमें आपको हॉर्न मिलने वाला है। यहाँ की तरफ आपको मिलते हैं देख लीजिए लाइट्स के कंट्रोल, प्लस यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल, एंड अब जो बात करूँ इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट लेंगे तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू कलर का आपको मिलने वाला है, इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है। एंड दोस्तों रियलिटी में ब्लू वाला ज़्यादा बेटर लगता है, ये थोड़ा सा खास नहीं लग रहा है, बट है लगभग सेम ही आपको मिलने वाला है। एक बार दोस्तों उसकी लाइट ऑन करके देखते हैं उसमें फिर आपको क्या फ़र्क मिलता है, कुछ नहीं दोस्तों सेम ही आपको मिलने वाला है। और ये देख लीजिए बीच में आपको सीएनजी का इसमें बार दिख रहा होगा, इसमें कितनी सीएनजी आपकी फिल है, इस तरह आपको सीएनजी बार मिलता है, उस तरह आपको पेट्रोल का बार मिलने वाला है। बीच में आपको 4.5 इंच की कलर डिस्प्ले मिलने वाली है, मतलब काफ़ी अच्छा इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एनालॉग। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको टैकोमीटर राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है। ये देख लीजिए ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का टोटल यूज़ मिलने वाला है। एंड अगर आप सेंटर में आएंगे तो यहाँ की बात करें आपको इसमें 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, एंड बाकी आपका पूरा टच पैनल टाइप का है। यहाँ देख लीजिए आपको 1000 का बटन मिलता है, ये वाला पार्ट आपको टेक्सचर्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है। इसी वेंट की प्लेसमेंट आपको दोनों साइड मिलने वाली है। और बात करें ये आपको यहाँ देख लीजिए मैनुअल एसी मिलता है, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट प्लस USB एंड एक ऑक्स केबल मिलेगी। कप ग्लास होल्डर मिलते हैं जो कि आपके कूल्ड है, देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाले हैं। मैनुअल वेरियंट आपका रहेगा 5 स्पीड, बाकी आपको इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। सीट में दोस्तों आपको बता चुका हूँ आपको काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको सीट मिलने वाली है, एंड आपकी ये फैब्रिकेट सीट है, इसमें आपको टॉप मॉडल में भी आपको दोस्तों वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये जो आपको पूरा पार्ट है ये आपको मतलब टेक्सचर्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलने वाला है। अच्छी तरीके से दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। एंड रियर व्यू मिरर की बात करें मैनुअल आपको मिलता है, प्लस आपको उसमें लाइट मिलती है जो कि आपकी हैलोजन बल्ब के साथ है, ये आपका सनवाइजर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें तो उसमें आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलने वाला है कुछ इस टाइप से। एंड ये आपका हो गया ग्रैब हैंडल जो कि आपका सॉफ्ट है, देख लीजिए। सो दोस्तों आपको कैसा लगा रोमियो सीएनजी एस बेस मॉडल का इंटीरियर, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो इंटीरियर है वो इस मतलब प्राइस रेंज पे वर्थ है कि नहीं, ये भी प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों अगर इसके पीछे वाले डोर पैनल की बात करें
तो देख लीजिए ये डोर पैनल, एंड ओपन करेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें डोर पैनल मिलने वाला है, एंड ग्लास भी आपको काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। बाकी नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस बोटल स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर जो कि आपके क्रोम एलिमेंट के साथ है, यहाँ आपको मिल जाता है, साथ में ग्रैब हैंडल। बाकी आपका टोटल हार्ड प्लास्टिक का इसमें यूज़ देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों ये है गाड़ी का इंटीरियर, एंड मिडल रो एंड लास्ट रो आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाली है। इंटीरियर में बात करें तो आपको पूरा बेज कलर का इसमें इंटीरियर मिलने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी बात करें अगर इसकी सीट की, तो दोस्तों आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिलने वाली है। बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, उसमें आपको कप ग्लास होल्डर की पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। दो हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, एंड सीट आपको टोटल फैब्रिकेट मिलने वाली है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बैठ के वहीं बात करते हैं। तो दोस्तों आइए गाड़ी के अंदर। सो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एंड पहले दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नी रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। सीट काफ़ी आई की है मैंने, तो नी रूम काफ़ी अच्छा है। बाकी थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको ठीक ठाक सा मिलने वाला है 7-सीटर वेरिएंट के हिसाब से। ऊपर बात करें आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट मिलने वाली है, एंड दोस्तों बढ़िया एसी वेंट, काफ़ी अच्छा फ्लो आ रहा है मुँह पर, मतलब गर्मी आपको नहीं लगने वाली। बाकी यहाँ से आप इसका फ्लो भी कुछ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं जो कि आपके सॉफ्ट हैं। ऊपर आपको रीडिंग लैंप्स मिलने वाली हैं हैलोजन बल्ब के साथ। और दोस्तों इंटीरियर मैं आपको बता ही चुका हूँ 60-40 की स्प्लिट सीट है। पीछे वाली सीट की बात करें तो आपको दोस्तों 50-50 में स्प्लिट सीट मिलने वाली है। पीछे वाली सीट जो आपको मिलेगी वो आपको 50-50 में स्प्लिट मिलने वाली है दोस्तों। एंड इसमें हेडरेस्ट मिलते हैं, वो आपके दो हेडरेस्ट हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हैं। बाकी आपको दो कप ग्लास होल्डर दोनों साइड, मतलब एक एक कप ग्लास होल्डर दोनों साइड मिलने वाले हैं, एंड कोई भी आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी बात करें यहाँ पर आपको देख लीजिए ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि आपके फिक्स्ड है, एंड पीछे वाले पैसेंजर के लिए किसी भी टाइप के एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सो आपको ऐसा ही इंटीरियर एंड डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है आपकी रिमियन के बेस मॉडल सीएनजी वाले में। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों इसका इंटीरियर, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। रिमियन में जो आपका सीएनजी वाला वेरिएंट है, इसमें आपको कितने सीसी का इंजन देखने को मिलता है, तो आपको K15 सीरीज़ का सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि आपके फोर सिलेंडर है। एंड पावर फिगर की बात करें तो 86 BHP एंड 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देने वाली है। सीएनजी में एवरेज की बात करें जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 25-26 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम कर रही है ऑन सीएनजी। बाकी बोनट की बात देखें तो बोनट आप देख सकते हैं, आपको इसमें इंसुलेशन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। एंड इंजन के नीचे की बात करें तो इसमें आपको कवरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ टोयोटा रिमियन जो कि आपका सीएनजी का बेस वेरिएंट यानी एस। एंड लगभग 13 लाख रुपए खर्च करने के बाद, 13,10,000 रुपये आपको खर्च करने के बाद आपको पता चल गया होगा इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर वगैरह मिल जाएंगे। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी कार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।